झाझा में दो अवैध बालू लोडेड ट्रैक्टर को थानाध्यक्ष राजेश रन ने अपनी टीम के साथ जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि झाझा के धपरी मोड़ के समीप दो अवैध चालान पर बालू लूटकर बालू तस्करी की सूचना थानाध्यक्ष झाझा को मिली। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए झाझा थानाध्यक्ष राजेश रन व सब इंस्पेक्टर शंकर दयाल राव ने दो ट्रैक्टर चालकों सहित अन्य दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों ट्रैक्टर चालक मनोज यादव व सुनील यादव बैजलपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष की इस कार्रवाई ने एक बार फिर से बालू माफियाओं के बीच हड़कंप का माहौल पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। क्या नाम है? मनोज कुमार। घर कहाँ है? बैजलपुरा। किसका ट्रैक्टर है? कैलाश यादव। कौन सा ट्रैक्टर है? सुनील का। अच्छा, चालान कब कटाया था? 8:30 बजे लमसम दिले होगा मालिक कटाया था। उस चालान पे कई ट्रिप पे बालू ढोया? दो तीन। अच्छा, कहाँ गिराया बालू? जाजाम गिराया था। ठीक, क्या बताया? सुनील यादव। सुनील यादव, इधर घूम जा। पिता का नाम? घर? अच्छा, ये कौन सा ट्रैक्टर तुम चला रहे थे? मालिक कौन है? महिंद्रा। मालिक कौन है? मालिक है तुरी दंसारी। अच्छा, तुम चालान कब कटाए थे? चालान देखिए सर, 9:00 में दिया, कटा के मालिक ने देता है कटा के। कई बार तुम उसी चालान पर ढोए? हम सर दो बार ढोए, दोनों बार फर्स्ट क्या थोड़ा जाम लग गया था शेर घाट में। उस चालान पे तुम दो बार ढोए? हाँ। अच्छा, देना